हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेनू रेसिपी एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी। बहुत ही आसान मेथड से आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले हम गैस में एक पैन चढ़ा लेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। फ्रेंड्स, मैं इससे नॉर्मल डेज के लिए बना रही हूँ। अगर आप बर्थ के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल करें। और उसके बाद हम इसमें मूंगफली डाल देंगे और मूंगफलियों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। कच्ची मूंगफली है ये। और फ्रेंड्स, मैं मूंगफली थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें क्रश करके भी मूंगफली डालनी है। इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, आप ज़रूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, आप रेसिपी को फुल देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आपकी साबूदाने की खिचड़ी बहुत खिली खिली और टेस्टी बनेगी। तो हम ये मूंगफली जैसे ही चटकने लग जाए, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, तो निकाल लेंगे सारी मूंगफलियों को और बचा हुआ ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, आप जब भी व्रत के लिए बनाएं तो ऑयल का इस्तेमाल ना करें, घी का इस्तेमाल करें। बचे हुए तेल में ही हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरा जैसे ही चटक जाए तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। और प्याज को भी हल्का सा हम सौटे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आप चाहे तो यहाँ पर टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसे विदाउट टमाटर का बना रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी कच्चा आलू, छोटा छोटा पीस में मैंने आलू कट कर लिया था, उसको डाल दूँगी। और आलू पकाने के लिए हल्का सा यहाँ पर नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद अच्छे से चला लूँगी। चलाने के बाद एक मिनट के लिए इसे पकाने के लिए रख दूँगी। और फ्रेंड्स, इधर ये देखिए, साबूदाना मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था और ये अच्छे से भीग गया है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना पानी डालना है कि साबूदाना अच्छे से डूब जाए। 2 पानी से धोने के बाद साबूदाने को भिगाना है 2 से 3 घंटे के लिए। और इधर देखिए, मेरा ये आलू भी अच्छे से पक गया है। आलू मैंने चेक कर लिया है, अच्छे से पक गया है। तो अब मैं इसमें हरी मिर्ची कट करके डाल दूँगी, अच्छे से चला लूँगी। और चलाने के बाद हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, साबूदाना में जो हमने लास्ट में पानी डाला था वो इसने सोक कर लिया है, तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हल्का सा चलाने के बाद काली मिर्च पाउडर डाल देंगे इसमें और हल्का सा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक हमने पहले भी डाला है तो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा। मिर्ची का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स, अच्छे से चलाने के बाद थोड़ी सी जो मूंगफली है वो हमने अलग से दरदरा सा कूट लिया था, उनको उन्हें भी इनमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली डालने के बाद ये नीचे लगने लग जाता है, तो एक नींबू का रस भी हम इसमें डाल देंगे। नींबू के रस से इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये आपस में चिपकेगा नहीं, खिला खिला एक एक दाना निकलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप और डाल सकते हैं। हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल किया है हमने और काली मिर्ची का भी, तो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप बर्थ के लिए बना रहे हो तो सेंधा नमक और हरी मिर्ची का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल करूँगी और साथ ही मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें डाल दूँगी। आप अगर बर्थ के लिए बना रहे हो तो आप सेंधा नमक और हरी मिर्ची का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और फ्रेंड्स, अब हम 1 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे धीमी आंच पे। और ये हमारा साबूदाने की खिचड़ी जो है बनके एकदम रेडी है। बहुत ही क्विक मेथड से मैंने आप लोगों को बताया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, इसका एक एक दाना अलग आपको दिख रहा होगा। ऊपर से हम धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर लेंगे और बची हुई मूंगफलियाँ भी इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छा लुक आ गया है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, फ्लेम ऑफ करने के बाद 1 मिनट इसे और ढक के रखेंगे बंद गैस में। और उसके बाद 1 मिनट बाद इसके सर्व करेंगे गर्मा गर्म प्लेट में। बहुत ही टेस्टी होता है, इसे गर्मा गर्म ही खाइएगा। और बहुत क्विक मेथड से मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करी है। कैसी लगी रेसिपी आपको कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिया करिए। मिलती हूँ आपको एक ऐसी न्यू और सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो इस नवरात्रि में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।